अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं चिकन कौरमा। चिकन कौरमे में हमें चाहिए 3 पाव चिकन, 2 बड़ी साइज़ की प्याज, 1 कप दही, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 2 चम्मच कौरमा मसाला और 2 चम्मच गरम मसाला, तेल हसब ज़रूरत। अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ऑयल डालते हैं, ऑयल को गर्म होने देते हैं। अब इसमें शामिल करेंगे प्याज, प्याज को ब्राउन होने देते हैं। प्याज हमारी ब्राउन होना शुरू हो गई है। प्याज हमारी ब्राउन होना शुरू हो गई है। प्याज हमारी ग्राउन हो गई है, अब हम इसे प्लेट में निकालेंगे। प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है, हमने प्लेट में से निकाला, ठंडा होने के लिए रख दिया है। अब इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। इसमें चिकन शामिल करेंगे। मसाला भून गया, उसमें हम दही शामिल करेंगे। जो हमने प्याज ग्राइंड की थी वो प्याज अभी शामिल करेंगे इसमें। अच्छी तरह मिलाएंगे। प्याज को मैंने दरदरा पीसा है। दोस्तों गल जाए, नाजरीन हमारा चिकन कौरमा पसंद आए
लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब इसे हमने ढक दिया है, पानी खुश्क हो जाए पकने के लिए रख दिए। हमारे चिकन कोरमा तैयार हो चुका है। अब इसे हम डिश में डालेंगे। हमारा चिकन कोरमा तैयार हो चुका है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।